मोबाइल दिखाते हैं, ताली बजवाते हैं लोग लेकर। ताली बजवाते हैं कहाँ? ताली बजवाते हैं वो। अब बताइए जो लड़का चाहता है इंजीनियर बनने के लिए उसे ताली बजवाते मोबाइल दिखाएंगे। मोबाइल देख और हंसते हैं। मोबाइल देख के हंसते हैं? अरे लड़के आज इधर इधर आओ, कहे हंसते हैं बउआ मोबाइल देख के? मोबाइल देख के मोबाइल में से हंसते हैं। भारत बनाइएगा, हमारे बच्चा के भविष्य आप गढ़ई में फेंक रहे हैं। हम कैसे उम्मीद रखेंगे आप लोगों से कि यहाँ डिजिटल भारत बनेगा? ना देखिए सब बच्चा चाहता है कोनो आईएएस कोनो आईपीएस बनना चाहता है कि नहीं बाबू? दुनिया के नाम रोशन करे जी जी। कहता नहीं हो रॉकेट उड़ाई बार इनका? नहीं, हम लोग इंजीनियर बनने चाहते हैं। विश्वविद्यालय के बच्चे हैं जिनकी भविष्य यानी कहें तो रस्सी पर लटक चुकी है। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो सब इस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं और आदापुर के वह प्रखंड हैं, आदापुर के वह विद्यालय हैं जहाँ पे हमेशा से विवादों में रहता है। वो लोग पढ़े ला लोगे जाए? पढ़ाई बढ़िया होला? नहीं ना होला? नहीं। अच्छा बताओ ताला आज गांव के लोग मार दे के स्कूल में? यस। काहे मार दे पढ़ाई के चलते? पढ़ाई बढ़िया ना होकला वही चलते। अच्छा तोहनी पढ़ के क्या बनने के चाहता लोग? हम ही रोशन करे चाहते हैं सर, दुनिया के नाम रोशन करे जी जी। क्या तोहनी हो रॉकेट उड़ाई पर इनका? नहीं, हम लोग इंजीनियर बनने चाहते हैं। इंजीनियर क्या लगता है सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा क्या है तो ना जोर से पढ़ाई हुई तो क्या तो नहीं इंजीनियर बन बोलोगी? वही से शायद लगता पोटेस्टोर कर लोगी। यस। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है और छोटी छोटी बच्चियाँ हैं सबका देख सकते हैं और सब चाहता है कोई इंजीनियर बने, कोई आईएएस बने, कोई आईपीएस बने, कोई बीपीएससी पास करे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है जिस तरीके से पढ़ाई हो रही है। सर हम शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहते हैं कि वो लोग बोल रहे हैं कि डिजिटल भारत बनाएंगे, आप बताइए कि इतना बच्चा हम लोग को आता है स्कूल में पढ़ने के लिए, कोई बच्चा को अपना सिग्नेचर करने की अभी ढंग नहीं है, पहाड़ा की ढंग नहीं है, तो बच्चा आगे क्या बढ़ेगा? ये बच्चा को भविष्य को क्या होगा, किस उम्मीद पर हम लोग भेजेंगे स्कूल? नहीं, जब वही सरकार चाहती है कि डिजिटल भारत बनाना तो यहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाए और समय से अगर नहीं कोई टीचर आते हैं तो उनका वेतन काट लिया जाए। वही मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग बोलते हैं कि डिजिटल भारत बनेगा, आप ही लोग से मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसे डिजिटल भारत बनाइएगा? हमारे बच्चा के भविष्य आप गढ़ई में फेंक रहे हैं, हम कैसे उम्मीद रखेंगे आप लोग से कि यहाँ डिजिटल भारत बनेगा? ना देखिए सब बच्चा चाहता है कोनो आईएएस कोनो आईपीएस बनना चाहता है कि नहीं बाबू? ये क्या लगता है इतना जोर शोर से यहाँ पढ़ाई होता बन पाएगा जी? नहीं बन पाएगा। नहीं, यहाँ व्यवस्थित भी नहीं है कोई चीज, कोई ढंग का कोई चीज नहीं है, यहाँ पर कल भी नहीं है, चपा कल भी नहीं है। नहीं है। और क्या क्या परेशानी होता है बाबू? बहुत सारा परेशानी है, खाना में पिलुआ रहता है। एक बोलो, एक 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 आदमी बोलो बोलो। खाना में पिलुआ रहता है इसमें? खाना में पिलुआ रहता जी। कल में साफ रहता है क्या जी? खाली मोबाइल दिखाते हैं, ताली बजवाते हैं लोग लेकर। ताली बजवाते हैं कहाँ? ताली बजवाते हैं वो। अब बताइए जो लड़का चाहता है इंजीनियर बनने के लिए उसे ताली बजवाते हैं सर जी? मोबाइल दिखाएंगे? मोबाइल देख और हंसते हैं। मोबाइल देख के हंसते हैं? अरे लड़के आज इधर इधर आओ, कहे हंसते हैं बउआ मोबाइल देख के? मोबाइल देख के मोबाइल में से हंसते हैं। हाँ, वीडियो देखते हैं कि किसे बतिया के हंस जाते हैं? मुस्कुराते हैं जी। बताइए छोटा सा बच्चा का पता है कि मुस्कुराते हैं सर जी? अपने अपने क्या कहते हैं भैया? बहुत भविष्य भविष्य इसका खराब कर रहा है सब मास्टर। और हम तो दोष देंगे नीतीश कुमार को जो 5-5 हजार 10-10 हजार 1 लाख जो घूस लेकर बहाली कर दिया है, वो दोष देंगे वो नीतीश कुमार को हम। ठीक है सर, बताइए आपके गांव में आपकी जिम्मेवारी दिया जाए तो इसमें नीतीश कुमार की कहाँ से गलती है? गलती है अनपढ़ कुमार को भर दिया इसमें, पूछिए तो कौन बच्चा पढ़ा है पूछिए ना इसमें। देखिए अच्छा भाई तू पढ़े से पढ़ लू सर? हाँ, ए बी सी डी अंग्रेजी में? यस सर। का कारा पढ़ के सुना हमरा के कैसे का कैसे कर का सर जी? उतना ना आवेला? उतना ना आवेला। तारा बउआ आ जाला तोरो आवेला जी? तो तू अंग्रेजी में ठीक बा ओ आर पढ़ के सुनाबो।
चलो ठीक है, जाएंगे सीख ले पढ़ो। नहीं ट्यूशन में, ट्यूशन सब ट्यूशन का बच्चा है। और दोनों ट्यूशन में पढ़ता भूगा जी सर। हां हमने ट्यूशन में कौन इसमें नहीं पढ़ता, जो स्कूल से आदरित है इसी स्कूल में पढ़ता है। कौन ऐसा बच्चा है?